मेरे रास्ते से हट जा। जो सीखा है आपसे सीखा है। कहानी में जो रोया भी और हंसा भी, ऐसा क्यों? बेताल राजा विक्रम को कहानी क्यों सुनाता था? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीकास्ट स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट प्रगति सिन्हा। दोस्तों, अयोध्या शहर में वीर केतु नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में रतन दत्त नाम का एक साहूकार था, जिसकी एक रत्नावती लड़की थी। वो काफ़ी ब्यूटीफुल थी, लेकिन वो आदमियों के से रहा करती थी और किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। उसके पिता को बड़ा दुख होता था। इसी बीच उस शहर में खूब चोरियां होने लगी। प्रजा भी दुखी हो गई। कोशिश करने पर भी जब चोर पकड़ में ना आया, तो राजा खुद उसे पकड़ने के लिए निकला। एक दिन रात को जब राजा अपना गेटअप चेंज करके घूम रहा था, तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। राजा चुपचाप उसके पीछे चला गया। चोर ने कहा, तब तो तुम मेरे साथ ही हो, आओ मेरे घर चलो। दोनों घर पहुंचे। उसे वहां बिठाकर चोर किसी काम के लिए चला गया। इसी बीच उसकी नौकरानी आई और बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? चोर तुम्हें मार डालेगा, भाग जाओ। राजा ने ऐसा ही किया। फिर उसने फौज लेकर चोर का घर घेर लिया। जब चोर ने ये देखा, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। दोनों में खूब लड़ाई हुई। लास्ट में चोर हार गया। राजा उसे पकड़कर राजधानी में लाया और सूली पर लटकाने का हुक्म दे दिया। लेकिन बाई चांस से रत्नावती ने उसे देखा और उस पर फ्लैट हो गई। पिता से बोली, मैं इसके साथ शादी करूंगी, नहीं तो मर जाऊंगी। पर राजा ने उसकी बात न मानी और चोर को सूली पर लटका दिया। सूली पर लटकने से पहले चोर पहले तो खूब रोया, फिर खूब हंसा। रत्नावती वहां पहुंच गई और चोर के साथ मरने के लिए रेडी हो गई। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई, मैं तेरे पति भक्त से खुश हूँ, जो चाहे वो मान। रत्नावती ने कहा, मेरे पिता का कोई बेटा नहीं है, तो आप यही आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें 100 बेटे हो। और आवाज आई, बोली, यही होगा, और कुछ मांगो। वो बोली, मेरे पति जिंदा हो जाए। इतना कहते वो जिंदा हो गया और दोनों की शादी हो गई। राजा को जब ये मालूम हुआ, तो उन्होंने चोर को अपना सेनापति बना लिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, ये बताओ कि सूली पर लटकने से पहले चोर क्यों जोर जोर से रोया और फिर हंसते हंसते मर गया? राजा ने कहा, रोया तो इसलिए क्योंकि वो राजा का कुछ भी भला ना कर सका। हंसा इसलिए कि रत्नावती बड़े बड़े राजाओं को छोड़कर चोर से प्यार करने के साथ मरने को तैयार हो गए। इतना सुनकर बेताल गायब हो गया और पेड़ पर जा लटका। एक तांत्रिक अपनी असुरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए 32 सिम्टम्स वाले ब्राह्मण के बेटे को बलि देने का प्रोग्राम करता है। ये ब्राह्मण के बेटे को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, लेकिन वो भाग कर जंगल में छिप जाता है। वहाँ उसे एक भूत मिलता है, जो ब्राह्मण के बेटे को तांत्रिक से बचाने के लिए शक्तियाँ देता है और वही भूत के रूप में पेड़ पर लटक जाने को कहता है। और ये भी कहता है कि जब तक उस पेड़ पर रहेगा, तब तक वो तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। और वही ब्राह्मण का बेटा बेताल होता है। उसे पकड़ने के लिए वो तांत्रिक एक साधु का वेश रचता है और राजा विक्रम से अपना काम निकलवाने के लिए जाल बिछाता है। और विक्रम उस ब्राह्मण के बेटे को, मतलब बेताल को, खोज लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। राजा विक्रम बेताल को हर बार पेड़ से उतार लेते और उस बिच्छू के पास ले जाने लगते। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बेताल कहानी सुनाने लगता और ये शर्त रखता कि कहानी सुनने के बाद वो राजा से सवाल करेगा, और अगर राजा विक्रम ने उसके सवाल का सही जवाब ना दिया, तो उसी वक्त राजा विक्रम का सिर फट जाएगा और उनकी मौत हो जाएगी। और अगर राजा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, तो वो फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। लेकिन हर बार बेताल खुद को बचाने के लिए और विक्रम को उलझाने के लिए कहानी सुनाता था। और अब यही विक्रम वेधा के टीजर में भी देखने को मिला है कि कैसे बेताल, मतलब वेधा, बना ऋतिक ऑफिसर विक्रम, मतलब सैफ को कहानी सुनाता है और विक्रम उसकी कहानी में आ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।